press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, सेहत या फ्रीडिश यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम दिखाएंगे कि सबसे बेस्ट टैलेंट भी कौन सी होनी चाहिए अगर हमने डीडी फ्रीडिश चलाना है। तो ये वाली हमारी डिश टीवी की LNB है, इसका सिग्नल काफ़ी अच्छा होता है। और अगर हम कोई और सैटेलाइट इस पर ट्रैक करते हैं तो सिग्नल तो बहुत अच्छा मिलता है हमें, लेकिन जब धूप होती है तो थोड़ा थोड़ा सिग्नल टूटने लग जाता है। ये वाली हमारी LNB है एयरटेल की। दोस्तों, ये एयरटेल की LNB है, इसका भी सिग्नल काफ़ी अच्छा होता है। हम इस पर डीडी फ्रीडिश चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा सिग्नल हमें मिल जाता है, लेकिन अगर हमने कोई दूसरा सैटेलाइट ट्रैक करना है जैसे हमें सिग्नल कम मिलता है जिस पे, उसको इस पर ट्रैक करेंगे सिग्नल अच्छा मिल जाएगा, लेकिन सिग्नल टूटता होगा, इतना अच्छा सिग्नल हमें नहीं इस पर मिलेगा। ये वाली LNB है दोस्तों वीडियो कॉन की, ये भी काफ़ी अच्छी LNB है। इसकी यूसेज ज़्यादातर वीडियो कॉन पे ही आती है, और अगर हम इसको डीडी फ्रीडिश ट्रैक करना चाहे तो इसका सिग्नल बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर हम कोई और सैटेलाइट ट्रैक करते हैं जिसका सिग्नल हमें कम मिलता है तो इस पर इतना सिग्नल हमें बढ़िया नहीं मिलेगा, और इस पर ट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाली दोस्तों मोनोब्लॉक LNB है, ये ज़्यादातर डिश टीवी पे यूज़ में आती है, क्योंकि उस पर दो सैटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं, एक तो डिश टीवी होता है और दूसरा 100° एशिया सेट जिस पे मदनी चैनल आता है, ये ज़्यादातर डिश टीवी पे ही काम आती है। ये वाली LNB है दोस्तों शार्प की, ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स इस LNB की बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, और LNB है भी बहुत बढ़िया। ये LNB ज़्यादातर सभी सैटेलाइट ट्रैक करने में काम आती है, और बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है हमें। तकरीबन कोई भी यूट्यूबर है हमेशा शार्प की LNB ही यूज़ करता है, काफ़ी अच्छा सिग्नल मिलता है हमें। अगर कोई दूर का सैटेलाइट हम ट्रैक करते हैं अच्छा मिल जाता सिग्नल, लेकिन थोड़ा बहुत सिग्नल टूटता रहता है। मैंने जो तजुर्बा किया दोस्तों, मैंने यूज़ किया टाटा स्काई की LNB। ये देख रहे हो, ये टाटा स्काई की LNB है, और इसका ये जो आप देख रहे हो साइड देख रहे हो, ये काफ़ी चौड़ी है इससे हमारी जो है शार्प की LNB से। मैंने तजुर्बा किया है ये वाली टाटा स्काई LNB लगा के, जिसका सिग्नल हमें शार्प की LNB पे नहीं मिलता उसका सिग्नल मैंने टाटा स्काई की LNB लगा के ट्रैक किया है, बहुत अच्छा सिग्नल मुझे इस पे मिला है। और जो सैटेलाइट मुझसे शार्प की LNB से ट्रैक नहीं हुए थे, मैंने टाटा स्काई की LNB से ट्रैक कर लिए, और सिग्नल काफ़ी अच्छा मिला मुझे। तो मेरी आप मानेंगे तो आपको टाटा स्काई की LNB का ज़्यादा फायदा होगा और काफ़ी अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी LNB के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करना, और बताना मुझे कोई मुझसे कोई गलती हुई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में बात करना। धन्यवाद।